और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फील्ड मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करता हूं। वर्चुअल एकेडमी स्टूडेंट डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहां से सबसे पहले हमने क्लास सिटी, क्लास फर्स्ट टेबल एंड सब्जेक्ट के हमने कुछ टेबल डिजाइन किए थे। इसमें फर्स्ट टेबल पे भी जस्ट क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहां पे फर्स्ट टेबल से रिलेटेड सारी फील्ड आ गई है। यहां पे हमने होम के ऊपर काम कर लिया था, होम में काफी सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। क्रिएट में हमने सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर काम किया, इसके बाद हम क्यूरी पे काम करेंगे, फॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे। एक्सटर्नल डेटा जो है तो इस पर भी हमने काम करना है, डेटाबेस टूल्स के ऊपर भी काम करना है और उसके बाद फील्ड। तो आज के लेसन में हम फील्ड के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। फील्ड में अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले व्यू का ऑप्शन है। तो व्यू में आपके पास दो व्यू होते हैं, एक तो डेटा शीट व्यू आपके पास व्यू होता है और एक होता है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिजाइन व्यू में चले जाएंगे और यहीं पे अगर आप डेटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप डेटा शीट व्यू में आ जाएंगे। डेटा शीट व्यू में आपके पास यहाँ पे फील्ड में आप जाएंगे और फील्ड में आपके पास कुछ है शॉर्ट टेक्स्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अपनी अहमद के लिए किसी भी चीज के लिए जो फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ उसमें शॉर्ट टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट फील्ड आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे एक न्यू फील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड करूंगा तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करता हूँ। फील्ड जो ही मैंने क्लिक की, फील्ड का नेम आपने यहाँ पे देना है और यहाँ पे आप देखें तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ, शॉर्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास शॉर्ट फील्ड से रिलेटेड एक टेक्स्ट आपके पास फील्ड आ गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट फील्ड से रिलेटेड आप फील्ड ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं। मैं इन दोनों फील्ड को क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ। आपको यहाँ पे न्यू फील्ड ऐड करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका वैसी फील्ड आ जाएगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर की फील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं इस एरिया में एज के बाद में नंबर की फील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं नंबर पे जस्ट क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखिए नंबर की फील्ड ऐड हो गया और यहाँ पे नीचे देखिए तो नंबर लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे मैं इसे नंबर में देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर फील्ड, तो यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे आप नंबरिंग के लिए अपनी फील्ड ऐड कर लिए। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इससे आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ जेंडर को और यहाँ पे नंबर के बाद करेंसी की फील्ड ऐड करना चाहिए, मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए तो आप बस यहाँ पे एक यूरो का साइन बना हुआ आ गया, अब बस यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आ गया तो आप करेंसी की फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसको डिलीट करता हूँ। आप डेट एंड टाइम की फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड कर सकते हैं। आप जो है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से डेट एंड टाइम की फील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो फील्ड आ गई ये डेट एंड टाइम के लिए बन गई है। मेरे पास ये फील्ड देख सकते हैं, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन आ गया तो बस यहाँ पे डेट आपके पास डेट एंड टाइम की फील्ड यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यस नो का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो बस यहाँ पे देखा तो चेक बॉक्स की फील्ड बन गई, आप देख सकते हैं चेक बॉक्स की फील्ड आपका आ गई। इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। और इसी तरह मोर फील्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पे काफी सारे आपका फील्ड आ जाते हैं। देखिए शॉर्ट डेट है, मीडियम डेट है, लॉन्ग डेट है, हाइपरलिंक की फील्ड है, अटैचमेंट की फील्ड है, काफी सारे यहाँ पे आपको फील्ड मिल जाते हैं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है आपके पास फील्ड की, आप यहाँ से जो भी फील्ड ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस बार फील्ड को डिलीट करना है तो आप जस्ट क्लिक करें और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपका फील्ड यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। इसी तरह आपके पास नेम एंड कैप्शन है। नेम एंड कैप्शन में क्या है कि यहाँ पे देखें एज का एक नेम दिया हुआ और कैप्शन दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नेम मेरे पास एज का और मैं कैप्शन यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ, कैप्शन पे आ जाए फाइंड एज फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये फाइंड योर एज का देखिए ऑप्शन आ गया, फाइंड योर एज देख सकते हैं। इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन को लिखना चाह रहे हैं अपनी डिस्क्रिप्शन डिटेल से लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू है, वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी। फील्ड का साइज कितना है, मीन कितने कैरेक्टर यहाँ पे एड हो सकते हैं, साइज कितना है इसका
तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे कम कर सकते हैं साइज। अगर आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एज के ऊपर जो है, तो ये देखें तो मैंने यहाँ पे एज के ऊपर मैंने लुकअप विजिट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। तो आप अगर कहीं पे, अगर आप यहाँ पे अहमद पे देखें तो अहमद पे आप लुकअप विजिट जो है तो ये आपके पास देखें काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी किस्म के लुकअप विजिट ऐड नहीं किया था। मैंने ड्रॉप डाउन ऑप्शन हमने यहाँ पे ऐड नहीं किए थे, हमने एज में ड्रॉप डाउन ऑप्शन ऐड किया और आपने जेंडर में ऐड किया। तो मैं यहाँ पे देखें तो एज में जो मैंने ड्रॉप डाउन ऑप्शन ऐड किया है तो उसका मुझे यहाँ पे कह रहा है मॉडिफाई लुकअप। मैं मॉडिफाई लुकअप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि 30 है, 29 है, 30 है, तो यहाँ पे 30 है, 31 यहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 31 कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ, यस कह रहा है, क्लोज करके इसको दोबारा ओपन करें। फर्स्ट टेबल में दोबारा क्लिक करता हूँ और एज में जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कहाँ तक आ गया, 31 तक आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे क्या 31 तक आ गया। तो आप यहाँ से एज भी इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे दो कॉलम दिए हमें, आप एक कॉलम पे काम करना चाहें कॉलम पे कर सकते हैं, ये हमारे पास दो कॉलम सेलेक्ट हो गए, आप एक कॉलम पे करना चाहें कॉलम पे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था कैसे फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो फील्ड में जाए और यहाँ पे आपका ये आपका ऑप्शन है मॉडिफाई लुकअप पे क्लिक करें, कॉलम इसे 2 दिए हमें, आप इसको 1 कॉलम में कन्वर्ट कर लें, 1 लिखें यहाँ पे और नेक्स्ट कर लें, फिनिश करें, तो अब आपका ये कॉलम 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिएगा देख सकते हैं ये 1 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद आपस यहाँ पे डेटा टाइप है, आप डेटा टाइप क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हो, शॉर्ट टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हो, नंबर सिलेक्ट करना चाह रहे हो, जो मैंने यहाँ पे दिया है तो इसमें मैंने नंबर दिया है, तो आप यहाँ से जो भी डेटा टाइप यहाँ सेलेक्ट करना चाहो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट क्या चेंज करना चाह रहे हो कर सकते हो, और किसी फील्ड को अगर आप चाहते हो कि ये जो फील्ड है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एज फील्ड रिक्वायर है तो आप इस पर क्लिक कर लो। रिक्वायर का फंक्शन ये होगा कि आपकी ये फील्ड अगर कोई ऐड नहीं करेगा कोई भी तो आपकी ये कंप्लीट आपका डेटाबेस नहीं बनेगा, तो उसके लिए आप इस फील्ड को रिक्वायर कर देते हो, तो रिक्वायर हो जाएगी फील्ड। डेटा वेरिडेशन है, इस पर हम बाद में देखेंगे कि इसमें क्या काम होता है, किस तरह से रूल सेट करने पड़ते हैं, वेरिडेशन रूल कैसे सेट करेंगे, तो ये हम बाद में देखेंगे। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।